Subscribe to Mann Ki Sadhana and hit the bell icon for more updates. अब हम पार्ट टू शुरू करते हैं। मैं लास्ट में आ गई हूँ फ्रेंड्स। ये मैंने 9 डबल क्रोशिया बना ली हैं और ये साथ में ऊपर डिज़ाइन भी बना दी है। अब इसको हम इसी जगह पर जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं पर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम पीछे जाएंगे। पीछे अब यहाँ पर हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर एक और हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है ये यहाँ पर। स्लिप स्टिच से जॉइन कर दीजिएगा या सिंगल क्रोशिया। अब फ्रेंड्स जो हमारी ये वाली लाइन देख रहे हैं ना, अब ये ग्रीन कलर वाली वाइट के ऊपर वाली जो ग्रीन कलर है इस पर वर्क करना है। अब इस पर वर्क हमें कैसे करना है देखिए। अब इसको हम पलट लेंगे किनारी को। अब यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए, अब यहाँ पर हम, ये देखिए, यहाँ पर हमें सबसे पहले हम यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 चेन बनाने के बाद में इसी वाले होल में हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ये हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। फ्रेंड्स 4-4 डबल क्रोशिया छोड़ते हुए 1 2 और ये 2 अंदर है 3, तो चौथी वाले में हम डालकर एक ही जगह पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 और 1 ये 3। फ्रेंड्स ये आप अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, कहीं पे 3 कहीं पे 4 या 5 जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं, क्योंकि आपके मूडे के हिसाब से हो जाना चाहिए, उसमें आ जाना चाहिए सही से। तो ये देखिए मैं कहीं पर 4 छोड़ूंगी कहीं पे 5 छोड़ूंगी, इस तरीके से मैं अपना वर्क पूरा करूँगी। 1 2 3 4 चौथे के बाद मैंने यहाँ पर डबल क्रोशिया डालकर, क्रोशिया को डालकर डबल क्रोशिया बनाए हैं 3। इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं काम पूरा कर लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं लास्ट में हूँ। अब ये यहाँ पर हम 3rd वाली चेन में इसको जोड़ देंगे, स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे ऐसे। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, ये देखिए इसमें ये मेरे 56 बने हैं पूरा राउंड। पूरे राउंड में 56 ये डबल क्रोशिया आया। अब यहाँ पर भी हम 3 चेन लेंगे, 3 चेन, उसके बाद में यहाँ पर फिर से चेन को मिलाकर 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 1 2 3। अब जो हमारे ये 2 ये 3 3 डबल क्रोशिया बनाए उसके बीच में जो जगह है उसमें हमको अब 3 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। देखिए ऐसे हर होल में हमको डबल 3 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। 3 इसी तरीके से फ्रेंड्स मैं पूरा राउंड करूंगी और साथ में ये जब पूरा राउंड होके आ जाएगा तो यहाँ पर हम तीसरी वाली चेन में इसको ज्वाइन कर देंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स फिर 3 चेन बनाएंगे, फिर यहाँ पर 3, जैसे हमने ये यहाँ पर 3 बार डबल क्रोशिया बनाया ऐसे ही यहाँ पर बनाएंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स इसकी मूड़े की पूरी जो नीचे की लेंथ होती है ना, ये तो ऊपर का टॉप हो गया और जो साइड से मूड़े की लेंथ होती है उसका ये बन रहा है ये साइड से, तो जितना मुझे चाहिए मैं उतना बनाकर आपको दिखाऊँगी। बस आपको ऐसे ही इस दो दो ये जो 3 3 डबल क्रोशिया इसके बीच में जो जगह है इनमें आपको ये 3 3 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है, जैसे ये मैंने बनाया है। अभी मैं इसकी पूरी लेंथ करके आपको दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये इतना बना लिया है। ये ग्रीन कलर के बाद मस्टर्ड कलर लगाया है, उसके बाद में ये ब्लू कलर लगाया है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये
यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये पत्तियाँ बनाई हैं ना, उसी तरीके से ये जैसे हमने पांच डबल क्रोशिया बनाए हैं, ये देखिए हर चेन में पांच डबल क्रोशिया, एक चेन में ये, फिर दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवे में, फिर एक चेन स्किप किया और दो डबल क्रोशिया बनाए हैं, सॉरी एक चेन स्किप किया और दो चेन बनाई हैं, उसके बाद फिर पांच डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच, फिर दो चेन और एक चेन नीचे स्किप किया, फिर पाँच डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार पाँच, फिर दो चेन ऊपर और एक चेन स्किप किया। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर भी हमें करना है। ये यहाँ पर हम तीन चेन बनाएंगे पहले, तीन, और हर चेन में हमको एक एक डबल क्रोशिया बनाना है। दो होगा इस चेन को मिला के, तीन चेन को, दो तीन चार और एक ही पाँच, फिर दो चेन, एक और एक दो, और एक चेन स्किप करेंगे ये वाली, और यहाँ पर अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार और एक ही पाँच, फिर दो चेन, एक चेन स्किप करेंगे ये वाली और यहाँ पर बनाएंगे डबल क्रोशिया। इसी तरीके से फ्रेंड्स पांच डबल क्रोशिया पांच चेन में बनाएंगे, फिर दो चेन लेंगे और एक चेन स्किप करेंगे नीचे, फिर उसके नेक्स्ट स्किप करने वाले के बगल से ही पांच डबल क्रोशिया फिर बनाएंगे, दो चेन लेंगे और एक चेन स्किप करेंगे। इसी तरीके से फ्रेंड्स पूरा राउंड मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। मैं लास्ट में आ गई हूँ, ये देखिए मैंने यहाँ पर दो चेन बना ली हैं, चेन के बाद ये तीसरी वाली चेन में एक दो और एक ये तीन, तीसरी वाली चेन में इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। ये देखिए पूरी लाइन बन गई मेरी। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से एक और एक ये दो, बीच वाली डबल क्रोशिया पर आ गए। अब यहाँ से हम इस वाले होल में आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे, टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एक ये एट। पहले हमने यहाँ पर बीच में जो ये बनाए थे इसमें हमने ये कंगूरे भी बना दिए थे छोटे छोटे से, लेकिन हमको यहाँ पर कंगूरे नहीं बनाने हैं क्योंकि ये नीचे आएगा, इसलिए इसको प्लेन बनाना है। और प्लेन फ्रेंड्स इसको हम सिंपल भी नहीं छोड़ेंगे, नहीं सिंपल छोड़ने में अच्छा नहीं लगेगा, थोड़ा सा ये डिज़ाइन बन जाएगी तो इसका लुक ही चेंज हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी ये किनारी बना रही हूँ। अब ये हम तीसरी वाली डबल क्रोशिया में एक दो और ये तीन, तीसरी वाली डबल क्रोशिया में सिंगल क्रोशिया से इसको जॉइंट कर देंगे ऐसे, फिर यहाँ पर आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन और एक ये एट, और ये तीसरी वाले डबल क्रोशिया में वन टू थ्री, थर्ड वाली में इसको हम स्लिप वो सिंगल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। फ्रेंड्स हमको जो हमने ये दो दो चेन और एक स्किप किया जो होल दिख रहे हैं ना, इनमें हमको ये आठ आठ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है और सिंगल क्रोशिया से तीसरी वाली चेन में जॉइंट कर देना। ये मैं पूरा सर्किल पूरी इसकी गोलाई करके बाद में दिखाती हूँ। देखिए ये मैंने पूरी गोलाई कर ली है इसकी, पूरी हो गई है, और ये यहाँ पर मैंने जॉइंट करके उनको काट दिया है। अब मैं आपको इसकी लंबाई और बता देती हूँ कि ये मैंने कितना लंबा किया है। देखिए ये जहाँ पर हमने ये
तीन तीन, एक होल में तीन डबल क्रोशिया बनाया, यहीं से इसको हम नापेंगे, ऐसे रखेंगे और 15 इंच, ये देखिए 15 इंच, और सेंटीमीटर में 37 सेंटीमीटर, ये देखिए इतना लंबा बनाया फ्रेंड्स। अब मैं ये आपको मूड़े पर डाल के भी दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये मूड़े में डाल दिया है, मूड़े को पहनाया है, ये देखिए, और ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आया है। और ये मेरे पास डोरी रखी थी, मैंने साथ में डोरी भी बांध दी है। आप चाहें तो ऊन की बना सकते हैं, इसी कलर की बना लीजिएगा, इसमें से जो भी कलर आपके पास हो उसकी आप डोरी बना सकते हैं। कितना सुंदर है और बिल्कुल फिटिंग का बना है, बहुत ही प्यारा है फ्रेंड्स। आप लोग बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपका ये मूड़ा कवर कैसा बना और पहनाकर आपको कैसा लगा। इसमें मैंने काफ़ी सारे कलर लगाए हैं, ग्रीन भी लगाया है, वाइट भी, ऑफ वाइट लगाया है, और ये मस्टर्ड कलर और ब्लू कलर। फ्रेंड्स ये ब्लू कलर और ये ग्रीन कलर, ये तो मेरे कुशन कवर जो मैंने बनाए थे उसमें जो एम्ब्रॉयडरी करी है ना मैंने, उसके ही बचे हुए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें लगा दूँ। और ये वाला कलर मेरे पास कुछ थोड़ी ज़्यादा मात्रा में था, तो मैंने ये बीच में लगा दिया है। तो आप भी इसी तरीके से, अगर आपके पास थोड़े थोड़े गोले बचे हुए हैं उनके, तो आप भी इसी तरीके से ये मल्टी कलर में भी बना सकते हैं इसका टॉप, और इसमें भी आप लाइनिंग डाल डाल के बना सकते हैं, काफ़ी सुंदर बनेगा फ्रेंड्स। अगर आपने मेरा कुशन कवर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा और आप भी फिर बनाइएगा। फ्रेंड्स आपको ये मेरा मूड़ा कवर पसंद आया हो, या मेरा बताने का तरीका, समझाने का तरीका आपको समझ में आया हो, तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा, जिससे मेरी जो भी न्यू वीडियो आने वाली होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राधे राधे।